हरिद्वार श्री जगदीश लाल नगर मजिस्ट्रेट जानकारी देते हुए बताया गया कि देश में सामुदायिक संवेदनशीलता के अभाव से ही NRC और CCA के विरोध में कई सामूहिक प्रतिनिधि द्वारा ही भाग जन संबोधित करते हुए कहा गया है कि स्थानीय सभी सूचना इकाई के द्वारा ही समय समय पर शांति व्यवस्था भंग होने की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना सूचना दी गई है, जिसके निकटवर्ती राज्य में देश में अन्य स्थानों पर यहां पर प्रदर्शन के हिस्सक रूप लेते हुए स्थिति संज्ञान में आई, जिसमें आपको बताते हैं 4 माल भारी नुकसान होने के सरकारी संपत्ति होने तथा हानि पहुंचाने वाले समुदायिक सूचना प्राप्त हुई। स्थानीय अभी सूचना इकाई द्वारा ही सामूहिक के साथ विरोध प्रदर्शन इत्यादि आम जन जीवन कानून व्यवस्था प्रभावित होने की अभाव हो सकती है। इसके साथ ही आपको पता चले उपरोक्त और दृष्टिगत रखते हुए जुलूस प्रदर्शन द्वारा ही कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका इंकार किया जा रहा है। प्राइम वीकी न्यूज चैनल के लिए आप देख सकते हैं हरिद्वार से खास रिपोर्ट। हरिद्वार जनपद वासियों, आप सबको जनपद हरिद्वार पुलिस का ओर से मैं ये कहना चाहूंगा कि संपन्न जिला हरिद्वार में धारा 144 CRPC लागू की गई है। इसका मतलब यह है कि कोई भी संगठन द्वारा कोई धरना प्रदर्शन या कोई विरोध का कार्यक्रम जो है जिला प्रशासन से सही अनुमति प्राप्त करके कर सकें, यदि ऐसा कोई ना करता तो उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जनपद वासियों को हम ये भी अपील करना चाहते हैं, वर्तमान परिस्थितियों में बहुत सारे झूठी सूचना एवं अफवाहें सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकाशित किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा जो गैरकानूनी काम करने वाले के ऊपर हमारा निगरानी है, उनका विरुद्ध भी जो है हम कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। हम जनपदवासी ये भी अपील करते हैं कि इस टाइप के गलत सूचना के प्रभाव में ना आए, जिला प्रशासन एवं पुलिस को मदद करें और जनपद में पूरी शांति व्यवस्था बनाए रखने के हमें साथ सहयोग करें। जय हिंद। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।